हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज एक EMT का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं IIT JEE में, डिराक डेल्टा फंक्शन। कौन सा? डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। ये कौन कौन से, इसको पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले हम सीखते हैं इसको पढ़ते क्यों हैं। तो इसको पढ़ने का जो महत्वपूर्ण मीन रहता है वो क्या रहता है वो देखोगे। इसको जो हम कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो देखोगे। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपके पास EMT रहता है, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है, मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है, मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स रहता है, और क्वांटम मैकेनिक्स रहता है। और भी सब्जेक्ट रहते हैं जो अपन IIT JEE में पढ़ते हैं, वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये रहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और EMT सब्जेक्ट रहता है। और उसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखोगे। डिराक डेल्टा फंक्शन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखोगे, क्योंकि अपन ने एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, वो अभी नहीं किया है, परंतु करेंगे जब उसमें एक प्रॉब्लम आती है। उसको स्टडी के लिए, उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन की आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। EMT में भी इसकी बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है, तो इसको डिराक डेल्टा फंक्शन को हम EMT में भी इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी रहती है, जब अपन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, ठीक है, ये तीन टॉपिक है, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस। जब पढ़ते हैं तो एक अपना जो डाइवर्जेंस होता है, एक फंक्शन का डाइवर्जेंस होता है, उसको लेके देखते हैं। ये आपके पास फंक्शन का डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसको लेके देखते हैं। तो इसको एक फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस का, आर की पावर एन। तो उसको कैसे लिखते हैं, एन प्लस थ्री आर की पावर एन, कुछ इस तरीके से करते हैं। और ये प्रॉपर्टी JNU में आई हुई है, JNU 2020 के एग्ज़ाम में ये प्रॉपर्टी आई हुई है, 2 नंबर की, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके चलते हैं। इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो इसको किस में बदल दीजिए, वेक्टर में बदल दीजिए, वेक्टर अपॉन आर की पावर थ्री, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए तो डेल्टा आर माइनस थ्री आर वेक्टर, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री थ्री आर की पावर माइनस थ्री, तो आपके पास 0 आ गई। इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है आपके पास 0 आ गई। परंतु अगर मैं इसे सॉल्व करूं और भी तरीके से इसको 0 में प्राप्त कर सकता हूं, तो दूसरा अपने पास जो तरीका रहता है उससे मैं 0 प्राप्त करने की कोशिश करूं, तो वो किस तरीके से मैं करता हूं तो वो देखोगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास 0 आ चुका है। अब एक तरीका और बताता हूँ इसको सोल्व करने का, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस नहीं पढ़ा है तो एक तरीका और बताता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो, उससे सोल्व करके इसके डाइवर्जेंस बताता हूँ किस तरीके से इस तरीके के डाइवर्जेंस को सोल्व करते हैं। तो ए वेक्टर क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन साइन थीटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन थीटा आर कैप डॉट आर कैप, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। और वैल्यू थी अपने पास कितनी थी, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर। तो ये आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। ये फंक्शन की जगह आपके पास क्या रख रहे हो, ये फंक्शन है, तो फंक्शन की जगह आपने क्या रखा है यहाँ पर, देखिएगा फंक्शन की जगह अपन ने क्या लिखा, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन की जगह लिखा। तो दोबारा लिख दीजिए फंक्शन की जगह, ये मैंने फंक्शन की जगह लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा डेल ओवर डेल आर भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, डाइवर्जेंस है ना, डेल अपॉन डेल आर भी आएगा, ठीक है, डेल अपॉन डेल आर भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डेल ओवर डेल आर भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा बचा,
और इसकी वैल्यू आर कैप डॉट आर कैप की वैल्यू 1 हो गई और साइन थीटा बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या बचेगा, डेल ओवर डेल आर, ये 1, तो 1 का डेरिवेटिव लोगे आर के रेस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इसको प्रॉपर्टी ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, डाइवर्जेंस की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डेल ए वेक्टर से शो करते हैं, और इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल आर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा आर कैप, इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। और अपन ने जो फंक्शन लिया है आर कैप, ये आपके पास आर कैप आ गया और नीचे आर स्क्वायर आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास निश्चित तौर पे 0 वैल्यू आ चुकी है। तो दो तरीके से अपन इसे सोल्व करके चले डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को, परंतु कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी है ये और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी हो चाहे आपके पास किसकी डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी हो, देखिएगा ये आपके पास डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है, ये आपके पास डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी, तो की प्रॉपर्टी से सोल्व किया मैंने, तब भी इसकी वैल्यू 0 आई। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने किस किस इस्तेमाल की जिससे सोल्व करने के लिए, इसे दूसरी अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दूसरी प्रॉपर्टी में कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया इसे सोल्व करने के लिए, डेल क्रॉस ए वेक्टर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तब भी वैल्यू 0 आई, ठीक है। एक अपन ने सोल्व करने पर डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी को सोल्व करके भी 0 वैल्यू प्राप्त की और कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी को भी सोल्व करके 0 वैल्यू प्राप्त की, परंतु अपन को अगर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं इस फंक्शन पर, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो देखिएगा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या रिजल्ट आता है इसमें। तो अप्लाइंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, लिखिएगा अप्लाइंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका क्या रिजल्ट रहता है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का, वो देखिएगा, ठीक है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या रिजल्ट रहता है वो देखिएगा एक बार। तो अपन जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो मैं बता देता हूं, ये आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। वॉल्यूम इंटीग्रल किस में चेंज होता है, सरफेस इंटीग्रल में आपके पास क्या होता है, चेंज होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, अपन ने क्या निकाली है इसकी वैल्यू किसकी प्रॉपर्टी से, किसकी प्रॉपर्टी से, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी से और दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी से, इसकी वैल्यू मैंने 0 निकाली है। तो राइट हैंड साइड में 0 लिख के चलोगे और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिख दीजिए क्या है, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर और ds, इसके लिए ds क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, ये लिख के चलोगे। तो आर स्क्वायर साइन थीटा और आर कैप, आर कैप की डायरेक्शन में इसका फंक्शन होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बात पढ़ चुके हैं, डी थीटा डी फाई आर कैप, तो आर कैप 1 हो जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या आएगा, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये तो 1 हो गया आर कैप और आर कैप, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 0 बराबर, अगर मैं लिमिट पुट अप करूं 0 से 2 पाई, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब आगे मैं सॉल्व करना चाहूं इसे, तो आगे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा 0 बराबर क्या आएगा, साइन थीटा डी थीटा को क्या लिखेंगे, ये आएगा 0 से पाई साइन थीटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, अगर दोबारा देखना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, डी फाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 पाई आएगी और इसकी वैल्यू आपके पास 2 आएगी,
तो आपके पास क्या आएगी, जीरो बराबर फोर पाई। या ये एक दूसरे के बराबर हैं क्या, ये एक दूसरे के बराबर हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्या डाइवर्जेंस गलत है, क्या डाइवर्जेंस गलत है आपके पास, डाइवर्जेंस गलत है, क्या गलत है, डाइवर्जेंस गलत है, डाइवर्जेंस गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह, अपने अपने लिमिटेशन में, उन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्पेस में सही तरीके से लग पा रही है, परंतु यहाँ पर दोनों ही सही हैं, दोनों के जो रिजल्ट हैं वो सही हैं, परंतु इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इस फंक्शन की जो प्रॉब्लम है इसे सोल्व करके चलेंगे, इस फंक्शन की प्रॉब्लम में है इसको सोल्व करके चलेंगे। डाइवर्जेंस, सबसे पहले डिराक ने बोला न आपके पास डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी गलत है, नहीं आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत है, दोनों गलत नहीं है, कोई फंक्शन में प्रॉब्लम है। इसने डिराक भाई सब ने इसे सोल्व करके चला, तो किस तरीके से सोल्व करके चला, एक बार डेल क्रॉस ए वेक्टर को दोबारा लिख के चलेंगे, उसके बाद में वहां से अपन एक चीज निकालेंगे, उस चीज को से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस चीज से अपन डिराक डेल्टा फंक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नोट कर लीजिए, अब चलते हैं आगे। देखिएगा डिराक डेल्टा फंक्शन में आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर को अपन क्या लिख रहे थे, वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा नीचे आएगा, साइन थीटा, ठीक है। और डेल ओवर डेल आर वन अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन थीटा आर कैप डॉट आर कैप, ये निकाला था। इससे ये वैल्यू कैंसिल, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं डेल क्रॉस आर वेक्टर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करके चलें तो आपके पास क्या जाएगा, साइन थीटा से भारा के साइन थीटा कैंसिल, तो वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर वन, इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर जीरो लिखें तो वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इतना लिख के चलोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर r इक्वल टू जीरो नहीं ले रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। जो अपने पास ये तो था LHS पार्ट, इस तरफ जो जीरो आ रहा था, और यहाँ पे RHS पार्ट आ रहा था जिसमें आपके पास फोर पाई आ रहा था, ठीक है। LHS पार्ट में जीरो आ रहा था, RHS पार्ट में जीरो आ रहा था, और RHS पार्ट में फोर पाई आ रहा था। तो वी कैन सोल्व अवर अबो कंडीशंस देन फाइंड आर इज नॉट आर इज नॉट इंक्लूडेड included r is not included at r is not included r is not included क्या इंक्लूड नहीं करेगा, r r इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। देन वी कैन कंसिडर ए स्पेयर having charge, sir, volume charge density rho, volume charge density
रो, वॉल्यूम चार डेंसिटी रो इज वॉल्यूम चार डेंसिटी रो, ठीक है। रो इज फंक्शन ऑफ आर, रो इज ए फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन होगा रो, ठीक है। देन रो इक्वल टू क्यू, रो आर इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक। देखिएगा, एक अपन ईएमटी की कंडीशन ले रहे हैं, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो आपके पास किस तरीके से होगा, तो रो आर, ठीक है, तो इनफाइनाइट कहां पर होगा, एट आर इक्वल टू जीरो। अगर इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, आर को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, आर इक्वल टू जीरो को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर डेंसिटी इनफाइनाइट होगी और जीरो डेंसिटी होगी एट आर नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं वहां पर आपके पास डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। आपके पास जो डेंसिटी है वो जीरो होगी, ठीक है, इतना नोट करके चलोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, तो किस तरीके से बढ़ते हैं वो देखोगे। दिस टाइप ऑफ अबो सिचुएशन, दिस टाइप, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, दिस टाइप ऑफ अबो सिचुएशन we can understand the whole property of whole conditions of Dirac delta फंक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, अब समझे हुए कि एक जो अपन ने जो सवाल लिया था, जो डाइवर्जेंस का सवाल लिया था, उस पर एक पॉइंट ऐसा था जहां पर रिजल्ट वैलिड नहीं थे, और अपन ने रो वाला चीज चेक की, जो सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी उस पर एक रिजल्ट एक फ्लक्चुएट कर रहा था, अचानक ही फ्लक्चुएट कर रहा था आपके पास एक रिजल्ट, और आपके पास जो डाइवर्जेंस की सारी प्रॉपर्टी हम सोल्व करते हैं सवाल और सारे सवाल करते हैं एकदम सही प्राप्त होते हैं, परंतु एक जगह आपके पास फ्लक्चुएशन आया, ठीक है, फ्लक्चुएशन आया, तो जो फ्लक्चुएट किया आपने पास सवाल, उस फ्लक्चुएशन पर हम कहते हैं वो एक फ्लक्चुएशन फंक्शन आएगा जिसके थ्रू हम डिराक डेल्टा उस फ्लक्चुएट जो अलग भिन्न फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंट चीज होगी वहां पर, आपके पास आपके जो प्रॉपर्टीज हैं ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं वो वैलिड नहीं हो पाएंगी उस फंक्शन पर, उसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सारी जो होल सिचुएशन है, होल कंडीशन को हम कंसिडर करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन से। तो देखिएगा डिराक डेल्टा फंक्शन से कैसे कंसिडर करते हैं, आपके पास एक डिराक डेल्टा फंक्शन है एक्स, ठीक, तो ये आपके पास इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये आपके पास इनफाइनाइट होगा कितने पे, एट एक्स बराबर जीरो पे, और किस पे एक्स बराबर जीरो पे इनफाइनाइट होगा और जीरो होगा एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है। अगर इसको कंसिडर किया जाए, तो देखोगे ये आपका x इक्वल टू जीरो है, ये आपका पार्ट क्या है x इक्वल टू जीरो का है, देखोगे ये पार्ट आपके पास x इक्वल टू जीरो का है, ये x लेस देन जीरो का है, x ग्रेटर देन जीरो का, ठीक है। और अचानक से क्या इनफाइनाइट आ रहा है, एक मैं चल रहा हूँ सीधा चल रहा हूँ, एकदम सही रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, अचानक ही इनफाइनाइट प्राप्त हो गया रिजल्ट, इनफाइनाइट प्राप्त हो गया मुझे रिजल्ट,
अचानक ही मेरे पास क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया, इनफाइनाइट रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये डेल्टा एक्स की पीक हो गई जहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट रिजल्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। और जो अंडर द कर्व होगा यहाँ पर डेल्टा एक्स और एक डायमेंशन डी एक्स लेंगे, उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अंडर द कर्व होगा उसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। अगर इसको इस तरीके से सोल्व करें देखें तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एकदम इनफाइनाइट तक गया ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको नोट करके चलोगे, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, नोट कीजिएगा, चलें भाई आगे। इस फंक्शन को मिटो के चलते हैं, इस फंक्शन को यहीं रहने देते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी हैव टू रिलेट, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिकल थिंक इन द क्वांटम मैकेनिक्स probability of finding particle, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को मिटा के चलता हूँ, नोट कर लीजिए। Probability of finding particle is unity in whole space, ठीक। इसे क्वांटम मैकेनिक्स से डील करें तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग पार्टिकल की वो 1 होगी, कुछ इस तरीके से। अगर एग्जांपल लें अपन तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 1/ε है, ठीक। इसके एक डायमेंशन 1/ε है, ये 0 हो गया आपके पास, ठीक। ये अपसाला हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी लियो तो एक डायमेंशन ये, तो दूसरी डायमेंशन आपको ये लेनी पड़ेगी जिससे प्रोबेबिलिटी 1 बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसी के अंतर्गत बात करूं तो देखोगे ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत मैं बात करूं इसी डायमेंशन को मैं 2ε कर दूं, ठीक है, और 2ε कर दूं, इसको मैं 2ε कर दूं और इसको भी 2ε कर दूं, तो आपके पास क्या होगी, 1/2ε × 2ε इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग पार्टिकल है इतने स्पेस में वो 1 होगी, आपके पास क्या होगी, 1 ही होगी। तो एक डायमेंशन ये ले ली, एक डायमेंशन ये ले ली, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, 1 ही कहलाएगी, ठीक। इतना नोट करके चलोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर 1/3ε लूँ तो यहाँ पर 3ε लूँगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप नोट करके चलोगे। नेक्स्ट चलते हैं तो किस तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं वो देखोगे। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, एक प्रोबेबिलिटी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपके पास क्या होगी, के एक्स, तो आपके पास 1/k डेल्टा एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं यहां लिख सकते हो
प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास के एक्स है तो उसको मोड लेकर बाहर निकाल दोगे, वन अपॉन लिखोगे, मतलब ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो आपके पास ये हमेशा, मैं माइनस लगा के चलूं तो ये हमेशा यही वैल्यू देगा, मतलब ये हमेशा इवन फंक्शन होगा, इवन इवन फंक्शन होगा, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज इवन फंक्शन होगा। चौथी प्रोबेबिलिटी, चौथी जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करूं तो आपके पास चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी की मैं बात करना चाहूं, ये आपके पास किस तरीके से एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो हुआ है, यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है इसकी पीक वैल्यू कहाँ पर है, तो फंक्शन की पीक वैल्यू कैसे देखी जाती है, अगर डायग्राम पढ़ाए अपने तो आपके पास ये तो था एक्स इक्वल टू जीरो था, और ये था आपके पास एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये अपने पास चीज़ें थी उपलब्ध, तो अपन ने यहाँ पर इनफाइनाइट थी तो कुछ इस तरीके से अपन ने ली थी, और यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर जो एक्स था किस पे था, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे भी था, जीरो पे ही था। ठीक है, एक्स इक्वल टू किस पे था, जीरो पे ही था, तो आपके पास एक्स इक्वल टू जीरो पे था, तो आपके पास जो पीक आएगी, जो पीक मतलब मैक्सिमम पॉइंट आपके पास आएगा, गेन करेगा मैक्सिमम पॉइंट, वो आपके पास क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर गेन कर रहा है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर गेन कर रहा है देखोगे तो मैक्सिमम पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे गेन कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो रख दोगे, एक्स इक्वल टू जीरो रख दोगे, तो जीरो रखोगे तो एक्स की जगह जीरो रखोगे तो आपके पास जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स डेल एक्स, तो किस तरीके से करोगे, तो देखोगे इसको मैं करके बताऊंगा। सबसे पहले अपन डिराक डेल्टा फंक्शन की जो ज़रूरत अपन को पड़ी वो केवल है जो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की प्रॉपर्टीज से अलग आ रही थी, दोनों अपनी जगह ठीक है, थ्योरम भी ठीक है और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी भी अपनी जगह ठीक है, तो फिर फंक्शन में प्रॉब्लम है, जो फंक्शन में प्रॉब्लम थी उसको अपन ने सोल्व करके चले हैं। ठीक है, वही फंक्शन में प्रॉब्लम थी उसको फ्लक्चुएशन को पढ़ा तो एक फंक्शन नया आपके पास जनरेट हो गया, डिराक डेल्टा फंक्शन। बस इतना ही होल थीम है डिराक डेल्टा फंक्शन की, बस इतनी ही आपके पास होल थीम है डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो आपके पास इसको डेरिवेटिव करके चलोगे तो सबसे पहले मैं एक्स का डेरिवेटिव ले लूं तो वन अपॉन डेल ओवर डेल एक्स प्लस इसमें से एक्स का डेरिवेटिव, जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लूं, ठीक है, और एक्स साथ में रख दूं, इक्वल टू आपके पास जीरो होगा। क्यों होगा, अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा तो ये जीरो ही रखेगा अपनी वैल्यू को, तो आपके पास डेल एक्स प्लस एक्स डेल साई डेल डॉट डेल फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको सोल्व करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, माइनस डेल एक्स ओवर एक्स, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब इतना नोट कीजिएगा। अब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की अपन बात करके चलते हैं, तो किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा, नोट कर लीजिए इतना। चलें आगे भाई, चलते हैं। तो आपके पास जो छठी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी से पहले लिख दें वेयर, लिख दीजिए वेयर इज फर्स्ट ऑर्डर डिराक डेल्टा फंक्शन
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां लिख दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज ओड फंक्शन, फंक्शन इज ओड फंक्शन, जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन है वो ओड फंक्शन होगा। किस तरीके से होगा तो देखोगे, एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो किया था, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, एक्स डेल एक्स आपके पास जीरो होगा, तो इसको लिखिए यह था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। जो ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, केवल सिंपल डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो सिंपल डिराक डेल्टा फंक्शन आपका क्या होता है, इवन फंक्शन, तो इसको लगा दीजिए, ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सिंपल डिराक डेल्टा फंक्शन है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, इस माइनस को अंदर ले जाइए और इस वाले माइनस को बाहर लगा दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ मैं मानता हूँ सेम लग रही है, अगर आपको दिख रहा है तो ये चीज़ सेम लग रही है, तो ये हो जाएगा। और इस तरफ क्या चल रहा था अपना, डेल एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, तो 12th क्लास में पढ़ा है, तो ये ओड फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा, अगर माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है तो मुझे लगता है ओड फंक्शन होगा, ये आपकी 6th प्रॉपर्टी, ये आपके पास क्या होगा, ओड फंक्शन होगा, और ये आपके पास 6th प्रॉपर्टी हो जाएगी, नोट करके चलिए। आगे चले तो देखिए आगे किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं और आगे करते हैं। 7th नंबर प्रॉपर्टी, डिराक डेल्टा फंक्शन की 7 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की, मुझे नहीं लगता कि अब मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखते जाइए 7th प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की, 7th प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन, देखिएगा 7th प्रॉपर्टी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो पीक वैल्यू कहाँ ले रहा है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे ले रहा है, तो फंक्शन में ये एक्स की वैल्यू जीरो फंक्शन में पुट अप कर दीजिए, जीरो, ये वैल्यू आपकी 7th नंबर प्रॉपर्टी आ जाएगी। 8th नंबर प्रॉपर्टी, 8th नंबर प्रॉपर्टी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए इक्वल टू, तो पीक वैल्यू कहाँ ले रहा है, तो जो अंदर है फंक्शन के अंदर है उसको जीरो के बराबर लिख दीजिए, वहाँ पर आपको पीक मिल जाएगी। तो एक्स बराबर एक पे पीक ले रहा है, तो फंक्शन की जगह ये फंक्शन है, इस फंक्शन की जगह एक्स बराबर ए पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डी एक्स साथ में लगाइएगा, क्योंकि अपन डेरिवेट इसका जो इंट्रीगल करके चल रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन में, इंट्रीगल करके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लिख दीजिए जो आपकी प्रॉपर्टी आपको याद रहेंगी, इस तरीके से लिख के चलोगे जिससे आपको क्या रहेंगी, प्रॉपर्टी याद रहेंगी, ठीक है। और 9 नंबर प्रॉपर्टी है आपकी, देखिएगा 9 नंबर प्रॉपर्टी
इनफाइनाइट से डेल्टा एक्स माइनस ए डेल्टा एक्स माइनस बी डी एक्स इक्वल टू क्या होगी। तो सबसे पहले ये सबसे पहले दोनों ही डिराक डेल्टा फंक्शन की है तो दोनों ही वैल्यू आपके पास पीक वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले इसकी पीक वैल्यू लिख लेते हैं। x बराबर b है तो x बराबर v इस b x की जगह रख दीजिए, इस x की जगह ये b रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास b माइनस a और साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन वाला ये साइन। और दूसरा इसके बराबर भी वही वैल्यू आएगी तो यहाँ पर से वैल्यू निकालिए पीक वैल्यू की, x माइनस ए की जगह क्या लिख दीजिए जीरो रख दीजिए तो x बराबर a आ जाएगा। और ये वैल्यू आप कहाँ पुटअप कर दीजिए, ये इस x की जगह पुटअप कर दीजिए ठीक है। तो क्या आएगा डेल a माइनस बी ठीक है। तो मैं मिटो देता हूँ ये अपना काटावटी हुआ है ठीक है, ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए जो आपको समझ में आ जाए। इस x बराबर b रखा मैंने यहाँ से निकाला पीक वैल्यू इसकी निकाली इसमें पुटअप कर दी, तो पीक वैल्यू इसमें से x बराबर b निकाली तो b माइनस a इसमें पुटअप कर दी। और यहाँ से मैंने पीक वैल्यू निकाली x माइनस a बराबर जीरो पीक वैल्यू x बराबर a यहाँ पर पुटअप कर दी। ये आ गई आपके पास 9 नंबर प्रॉपर्टी। 10th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं किस तरीके से इसे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा 10th नंबर प्रॉपर्टी, 10th नंबर प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की 10th नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी। तो देखिएगा डिराक डेल्टा फंक्शन की 10th नंबर प्रॉपर्टी, तो देखिएगा ये आपका जो फंक्शन है इसमें ही प्रॉपर्टी लगा के चलते हैं। तो क्या होगी इसमें प्रॉपर्टी देखिएगा, b माइनस ए इसको मिटो देता हूं साथ में, b माइनस ए इस b माइनस ए और यहाँ पर आपके पास क्या होगा x माइनस ए डेल्टा प्लस डेल्टा x प्लस b, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। इसको जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है उसको प्लस में चेंज कर दिया है, जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है उसको अपन ने प्लस में चेंज कर दिया है ठीक है। ये आपके पास 10 नंबर प्रॉपर्टी हो गई डिराक डेल्टा फंक्शन की। जो स्पेस है ए बी जो पॉइंट अपन ले रहे हैं ये अपने स्पेस में ही होने चाहिए, स्पेस में ही होने चाहिए जिससे अपन डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके ठीक। 11 नंबर प्रॉपर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस बी, यही आएगी ना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को सोल्व करते हैं जब क्या आता है एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ये तो आता है। उस तरीके से अपन ने ये प्रॉपर्टी लगा के इसे सोल्व किया है ठीक है। तो देखोगे तो इसको सोल्व करते हैं तो आप लगा दीजिए बी भी इसका माइनस ए है, ए भी इसका माइनस ए हो जाएगा ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस ये लग जाएगा माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए हो जाएगा 2a डेल्टा x प्लस ए प्लस डेल्टा x माइनस ए, नोट करके चलोगे ठीक है, नोट करके चलोगे। मोड लगा दीजिए, मोड तो प्लस ले लिया आपने कोई ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर प्रॉपर्टी, जो आपकी 12 नंबर प्रॉपर्टी है वो देखिएगा ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर 12 नंबर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है 12 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा क्या होगी 12 नंबर प्रॉपर्टी, तो देखिएगा ठीक है 12 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा डिराक डेल्टा फंक्शन की किस तरीके से सॉल्व करते हैं 12 नंबर प्रॉपर्टी को देखिएगा। 12 नंबर प्रॉपर्टी थ्री डी में बात करते हैं, इन थ्री डी
आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये इन 3D में बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो देखोगे 3D में किस तरीके से बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, तो देखिएगा आपकी जो 3D में किस तरीके से इसकी बात करते हैं। तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है, डेल्टा जेड ये हो जाएगी, ठीक है। और 13 नंबर प्रॉपर्टी, डेल्टा आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, डेल्टा वाई माइनस वाई प्राइम, डेल्टा जेड माइनस जेड प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 14 नंबर प्रॉपर्टी आपकी, देखिएगा 14 नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपकी, तो डेल्टा क्यूब आर माइनस आर डेल्टा वी डी वी, ठीक है, बराबर वन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, जैसे अपन ने क्या किया था पूरे वॉल्यूम के लिए, अपन ने इस प्रॉपर्टी को क्या किया है अप्लाई किया है, तो आपके पास क्या होगा, जो अपन ने क्या अप्लाई किया था देखिएगा, ये अपन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, किस तरीके से डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू वन करते थे, ये आपके पास 1D था तो ये भी 1D था, अब इसको मैंने 3D में चेंज कर दिया तो इसको भी मैंने 3D में चेंज कर दिया, तो भी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन की आपके पास प्रॉपर्टी होती है। देखिएगा ये आपके पास 14 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। अब 15 नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, देखिएगा 15 नंबर प्रॉपर्टी, तो आपके पास आर वेक्टर ठीक है डीवी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम में है तो यहाँ पर पीक वैल्यू कहाँ दे रहा है, आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर पे पीक दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 लिख दूँ, इसके बराबर 0 रख दूँ, तो पीक वैल्यू आर प्राइम पे दे रहा है, तो फंक्शन में आप क्या कर दोगे आर प्राइम वेक्टर, ठीक ये कर दोगे फंक्शन में, ठीक। ये आपके पास 15 नंबर प्रॉपर्टी, और 16 नंबर प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, देखिएगा आपके पास जो था क्या था, डेल्टा समाकलन का जो चिन्ह है वो हटा दीजिए, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको लिखोगे 4π डेल्टा क्यूब आर वेक्टर, ठीक। ये आपके पास 16 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, ये आपके पास 16 नंबर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। तो इनका नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं किस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 16 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट कुछ सवाल लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी ये कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे चलते हैं, या एक सवाल करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगले लेक्चर में करेंगे, कुछ सवाल लेके चलते हैं। देखिएगा सवाल कौन कौन से ले सकते हैं, ठीक है सवाल देखिएगा किस तरीके से सवाल लेते हैं। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, तो पहला सवाल आपके पास क्या कहता है, तो ये आपके पास पहला सवाल है 0 से 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 1 डी एक्स। दूसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा, 0 से 3 3x² + 2 डेल्टा एक्स प्लस 1 डी एक्स। तीसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट t²
डेल्टा 2t माइनस 6 dt। ठीक है, चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल देखिएगा, चौथा बाद में करते हैं। 0 से 3 9 एक्स स्क्वायर डेल्टा 3x माइनस 1 dx। ये चार सवाल करके चलते हैं, तो देखिएगा इन चारों सवाल को किस तरीके से करते हैं। तो पहला सवाल आपके पास किस तरीके से करते हैं, तो ये आपके पास हो गया 0 से 3। पहला सवाल हो गया 0 से 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 1 dx। तो पी कहाँ दे रहा है? एक्स बराबर 1 दे रहा है, लिमिट में है। देखिएगा एक्स बराबर 1 लिमिट में है, तो लिख दीजिए एक्स की जगह 1। तो 1 का स्क्वायर आपके पास जो वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिएगा 0 से 3, दोबारा 0 से 3 है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है? एक्स प्लस 1 इक्वल dx। तो पीक वैल्यू देखिए, एक्स बराबर माइनस 1 लिमिट में नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिएगा इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट टी स्क्वायर डेल्टा डेल्टा 2t माइनस 6 dt। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाइए, डेल्टा के एक्स बराबर 1/k का मोड डेल्टा एक्स, इसकी प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, नोट कर लीजिए ऊपर वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिएगा आगे वाला मैं किस तरीके से लिखता हूँ। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, और इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ ही लगेगी। इसमें से 2 के की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, जो मैं कॉमन लूँगा, के का मतलब कॉमन लूँगा मैं, तो 2 कॉमन लूँगा तो 1/2 नीचे चला जाएगा। और टी माइनस 3 डेल्टा टी माइनस 3 आपके पास यहाँ बच जाएगा, और टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, टी स्क्वायर डी टी, तो 1/2। अब टी पीक वैल्यू कहाँ देगा? टी बराबर 3 पे देगा। पीक वैल्यू कहाँ देगा? टी बराबर 3 पे देगा। तो यहाँ पर तीन टी का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9/2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आंसर। चौथा सवाल करते हैं, नोट कीजिए, चौथा सवाल करते हैं, नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे, चौथा करते हैं। चौथा सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, देखिएगा चौथा सवाल किस तरीके से करते हैं। देखिएगा चौथा सवाल, तो आपके पास 0 से 3 9 एक्स स्क्वायर डेल्टा 3 माइनस 1 जी dx। तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, वही यहाँ से कॉमन क्या लेगा? 3 लेंगे, तो 1/3 कॉमन है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाइए? के एक्स की, बाहर क्या आएगा? 1/k', k का मोड और डेल्टा एक्स, ये बाहर आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिएगा 0 से 3 9 एक्स स्क्वायर डेल्टा 3 कॉमन लिया, तो एक्स माइनस 1/3 dx। ठीक है, ये अपन ने प्रॉपर्टी यूज़ की है, यूज़ लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलें तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो 1/3, और पीक वैल्यू कहाँ देगा अब? तो किस पे देगा? एक्स बराबर 1/3 पे पीक वैल्यू देगा। तो लिख दीजिए 9 एक्स की जगह लिख दीजिए, 9 एक्स की जगह लिख दीजिए 1/3, 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/3 का 9 आ जाएगा, इंटू 9 मल्टीप्लाई 1/3, तो 9 से 9 कैंसिल, 1/3 आंसर। एक दो सवाल और देखते हैं, देखिएगा नोट कर लीजिए इसे, चलते हैं आगे।
एक दो सवाल और देखते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से, एक दो सवाल और देखते हैं। देखिएगा एक दो सवाल और देखते हैं। आपके पास जो 0 से 2 लिमिट है, ये आपके पास टी स्क्वायर डेल्टा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, t-2 t-3 dt इक्वल टू क्या आएगा, तो पीक वैल्यू कहाँ आ रही है, t=3 पे आ रही है, तो इसकी वैल्यू 0। 5 नंबर सवाल। छठा सवाल देखिएगा किस तरीके से करते हैं। छठा सवाल देखिएगा, आर स्क्वायर डेल्टा 3r-4 लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट dr, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पीक वैल्यू देखिएगा, तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, क्या 3 कॉमन ले सकते हो आप, तो 3 ले लीजिए, 1/3, तो डेल्टा के एक्स है और 1/k डेल्टा एक्स, एक्स के पास वाला कॉमन लोगे तो आर यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसके पास वाला कॉमन ले लिया तो मैंने ये ले लिया, ठीक है 1/3, तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, ये अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी है, तो मैं इसको मिटो के चलता हूँ अब, तो देखिएगा 1/3 आर स्क्वायर डेल्टा आर माइनस 4/3 डी आर, और 4/3 इसकी जगह पुटअप कर दीजिए, तो 4/3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/3 तो बाहर ही, 1/3 तो ये बाहर आई, और आर स्क्वायर की जगह 4/3 पुटअप कर दीजिए का स्क्वायर, तो क्या आएगा 16/9 मल्टीप्लाई, ये 3 है ही, तो 16/9 = 9, 9 = 18, 9 = 27, ये आपके पास आंसर आंसर आ चुका है। ये अपन ने सिंपल सवाल कर लिए, और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जोरदार प्रॉपर्टी है, उस पर कल सवाल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल देखेंगे। तो ये अपना EMT का लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, अब और डिफ़िकल्ट सवाल आएंगे, TIFR के जेस्ट के सवाल लेंगे अपन, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है, थैंक यू।